लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राण निछावर कर दिए। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके जिम पाइन स्कूल में। आज मैं आराध्या आर्या कक्षा 4 आपकी ऐसे ही एक शूरवीर कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में बताऊंगी जिन्होंने मरते दम तक हर एक साल भारत माता के नाम कर दिए। हम आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर कैप्टन सौरभ कालिया की माँ विजय श्रीमती विजय व पिता डॉक्टर एन के कालिया का अकाल घटना व नमन करते हैं। कैप्टन सौरभ कालिया ने देश के लिए कुर्बानी दे दी थी। कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तान ने 22 दिनों तक अपनी हिरासत में रखा। उनको काफी यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने देश की कोई भी जानकारी पाकिस्तानी अफसरों को नहीं दी। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों जवानों के कानों को लोहे की गरम रॉड से छेदा गया। उनकी आंखें निकाल दी गई, उनकी हड्डियां तोड़ दी गई, उनके अंग काट दिए गए। जब दुश्मन इन रणबांकुरों के हौसले नहीं तोड़ पाए तो कैप्टन सौरभ कालिया समेत 5 सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। कैप्टन कालिया के साथ की गई थी बर्बरता। जब 22 दिन बाद कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के शव भारत लौटाए तो पूरा देश उभर पड़ा। उनके शव पूरी तरह से शत विशत कर दिए गए थे। जब कैप्टन सौरभ कालिया युद्ध पर जा रहे थे तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि ऐसा